ओके, खुशी गाएगी और प्रहर और दिव्या फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादानु गीत मारे गाहू छे, दादानु गीत मारे गाहू छे, प्रेमानु अमृत पावू छे, दादानु गीत मारे गाहू छे, गीत मारे गाहू छे, भजननी रढ़मने लागी, दादा भजननी रढ़मने भक्ति रस मानहु छे, भक्ति रस मानहु दादानु गीत मारे गावू छे, भव सागर मा नैया मारी डोले, सामे किनारे मारे जाऊ छे, सामे किनारे मारे जाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, जीवन मारू बनेउ अकारू, दादा चरण मारहु छे, दादा चरण मारे दादानु गीत मारे गाहू छे, दादानु गीत मारे गाहू छे, दादा तमारी आज्ञा मारही ने, दादा तमारी आज्ञा ज्ञानामृत मारे पीवू छे, दादानु गीत मारे गावू छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादा वितरागिनी दीक्षा पामी, दादा वितरागिनी दीक्षा पामी, दादा जेवु मारे थावू छे, दादा दादा जेवु मारे दाऊ छे।
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી मंत्र बजा रहे हैं बालक को फॉलो करेंगे नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चन मुक्कारो एषो पञ्चन मुक्कारो सवपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमां हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद के खुशी जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं बच्चों और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो सबसे बड़ा मानव धर्म है मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल सिंसियर प्योर बनी रहूं ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं हे दादा भगवान मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी कृपया इस सबन में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कुशाल हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में दो बाधाएं अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ और आप इस ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन की आवृत्ति टूट जाए तो मेरी पढ़ाई सही चल जाए और ऐसे बड़ों को पैदा मिले हे दिव्या हे दादा भगवान आपके पे है कुत्ते
फिर भी है सच्चे बोलेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड दिव्या। ओके जय सच्चिदानंद परेश दादा। जय सच्चिदानंद। थोड़ा हमको रिपोर्ट लेंगे बच्चे लोग को आज कितना सत्साधन किया, कितना उठबैस किया और कोई कलम भंग किया के नहीं। खुशी दीदी, विधि दीदी, खुशी दीदी अहमदाबाद, बैड कनेक्शन। ओके प्रहार। जय सच्चिदानंद। अब मैंने आज जय सच्चिदानंद हाँ खुशी हाँ जय सच्चिदानंद मैंने आज 23 out of 25 सत्साधन किया था और आज मेरी कोई कलम ब्रेक नहीं हुई थी और आज मैंने सिटअप स्टैंड किए थे। जय सच्चिदानंद आज मैंने 13 out of 25 सत्साधन किए थे और मैंने सिटअप उठक बैठक 10 times किए थे और मैंने आज मम्मी का आम दुबाया था। क्या किया था मम्मी को? क्लास मुझे क्लास में जाना था उसमें लेट किया था इसलिए गुस्सा हो गई थी। आप गुस्से हो गए थे? नहीं मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी इसलिए मैंने उसे परेशान किया था। ओके श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद आज मैंने सत्साधन 22 out of 25 किया था। मैंने उठ बैस 20 times किए थे और मैंने आज कलम 1 मम्मी के साथ तोड़ दिया था। क्या किया मम्मी को? मम्मी ने क्या किया आपको? नहीं मैंने मम्मी को कुछ किया है मुझको मैथ के सम्स समझ नहीं आ रहे तो मम्मी थक गए समझा के कि और बोल दिया कि तू समझ ही नहीं रही है। ओके कुशाल। हाँ आप ध्यान नहीं देते हैं इजाक्सी बाप। नहीं नेटवर्क कनेक्शन हो रहा था इसलिए आवाज नहीं आया अपने किसका नाम भी। ओके बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद आज मैंने सत्साधन सिंसरली नहीं किए थे और आज मैंने सिट अप 100 times की थी और आज मुझसे मम्मी का हार्म नहीं डूबा था। तो आप सत्साधन के बिना मस्ती करते थे दीदी के साथ? नहीं। दर्शना दंडी दादा सिट अप 100 किए सत्साधन किए नहीं। Yes, he said 100. Oh, लिखा नहीं है तो इसलिए 100 बोल हमने सुना है 100. Yes, but सत्साधन नहीं किया। खुशाल किसने 100 किसने काउंट किया था? मैं क्रिकेट एकेडमी जाता हूँ तो हर थर्सडे हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते तो आज हमें 100 सेटअप्स करवाए थे और बहुत सारी एक्सरसाइजेस। काउंट कैसे किया 100? किसने किया काउंट? सर काउंट करते हैं और हम सारे बच्चे करते हैं। हाँ लेकिन डर खुशहाल ये हिसाब पकड़ने का उसका क्या हिसाब पकड़ा था? हाँ जब वो सर मुझे नहीं देखते थे तो मैं ऐसे पकड़ रहा था। अच्छा अच्छा ओके तो कल मम्मी हो तब करने का तो मम्मी को रिपोर्ट देंगे कल का। ओके ओके हाँ, और एक बात कहनी थी कि आज मुझसे मम्मी का काम डूब गया था। नहीं वो कल मम्मी को काम करने का है। ओके दर्शना 100 किया तो वेरी गुड। ओके आज जय सच्चिदानंद मैंने आज 22 out of 25 तो साधन किए थे और आज मैंने 20 सेटअप किए थे। ओ
और आपको 2 घंटा टीवी देखने का टाइम है कि सत्संग का टाइम नहीं है? है। हाँ तो क्या कर, टीवी में क्या देखते हैं आप? कार्टून। कितना बजे देखते हैं? 3 बजे देखा था। तो 3 बजे तो अभी वो 3 बजे आप स्टडीज खत्म करो, ओके? हाँ। और अभी 10 बजे सोने का सोचो, ओके? हाँ। और आज मेरा मम्मी के साथ हम लोग गया। ओ फूड में क्या किया था? फूड में आज ना आप नहीं, आज डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मम्मी ने जो बनाया वो खा लिया था। नहीं वो नो मिला आपको, आपने नो लिखा है? नहीं वो नो इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने नहीं किया है। ओके रिस्पेक्ट फूड का यस लिखने का, ओके? हाँ इफ यू रिस्पेक्ट फूड यू टू से यस, ओके। इताक्षी बा जय सचिदानंद, आज मैंने 10 टाइम सिटअप्स की थी, सत्संग मैंने 25 out of 25 किए थे और आज मुझसे एक भी कदम ब्रेक नहीं हुई है। ओके वेरी गुड। अनन्य दीदी इंग्लिश। हाँ जय सच्चिदानंद, टुडे आई हैड फॉलो ऑल द नव कलम, आई जंप 50 out of 100 रोप्स टुडे, आई डिड 30 मिनट ऑफ इंग्लिश ग्रामर टुडे। ओके वेरी यू स्पोक गुड इंग्लिश, ओके कीप इट अप, थैंक यू। ओके अभी ओके दीपक दादा राइट एक ही बात है कि ये जो और कुछ में समय जाता है तो ये जो है ना बेसिक ये करके आपको जो करना है वो करो, ये जो हमारा बेसिक जो हमें दिया है ना होमवर्क वो करके आपको जो करना है वो करो ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं होता है तो आपके काम ऊपर दबा लगता है, ऐसा नहीं लगता है आपको? और कुछ करने का टाइम मिलता है तो ये क्यों नहीं करते हैं? ये करके जो करना है वो करो ना, खाने के लिए सोने के लिए सब टाइम निकलता है, स्नान करने के लिए टाइम निकलता है, फिर जो फ्री टाइम में करते हैं तो ये आपको ऐसा करके वो बोलते हैं डांटते अच्छा लगता है? ये बात समझना है, अपना काम करके फ्री टाइम का उपयोग करो जैसा करना है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है? ये थोड़ा बैक ऑफ योर माइंड रखना है कि पहले हमारा कमिटमेंट क्या है, व्हाट इज माय कमिटमेंट, वो कमिटमेंट पूरा करके जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ खुशी आपको क्या हुआ था कलम 1 के 5 में, क्या हुआ था आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ था। ओ तो ओके ओके कलम 1 तो इधर श्रिया के ब्रेक हुई थी मॉम के साथ। ओके आपका दर्शन आपका क्वेश्चन है? हाँ मुझे कुछ बताना था कि आज मेरे मम्मी के साथ ज्यादा हम डूब गया था। ओके परेश दादा बातें करो दर्शना के साथ। पहले रिपीट करो। हाँ मुझे ये बताना था कि मेरे आज मम्मी के साथ आम डूब गया था ज्यादा। आम डूब गया था? क्या डूब गया था? अहम। अहम अहम डूब गया था। हाँ फिर वो मम्मी के साथ ऐसा हो गया था। आज सुबह मुझे तेज मतलब फीवर आया था थोड़ा, तो मैंने स्कूल से छुट्टी ली थी तो फिर मैंने पूरे दिन मम्मी को परेशान किया। छुट्टी लेकर परेशान किया? अरे परेशान करने के लिए छुट्टी ली थी? नहीं तेज बुखार आया था तो बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था इसलिए छुट्टी ले ली। नहीं वो समझ में आ गया, आपको तेज बुखार आया था लेकिन बाद में तो आपने मम्मी को परेशान किया ने? हाँ हाँ तो तेज बुखार वाला परेशान नहीं करता है, वो तो ढीला हो जाता है आदमी, यानी तेज बुखार नहीं था
यानी आपने छुट्टी ली थी मम्मी को परेशान करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि परेशान करने वाला कोई वर्ल्ड में है ही नहीं। दूसरे को परेशान करोगे तो मारेंगे, चिढ़ाएंगे, बोलेंगे, आपको परेशान करेंगे, मम्मी तो परेशान नहीं करेगी, इसलिए तो परेशान करने वाली चीज है ना। हाँ। मम्मी तो हेल्प करती है ना, आप परेशान कर तो फिर भी मम्मी तो हेल्प करती है ना। हाँ, इसलिए मम्मी को ही परेशान करने का ना, और किसी को नहीं करने का। मम्मी ने कहा था कि पूरे दिन रेस्ट करना, बट मैंने रेस्ट नहीं किया था, तो उसमें मम्मी को गुस्सा आ गया और टीवी देखी। मम्मी को परेशान किया ना, जो अपने को हेल्प करता है उसको ही हम परेशान करते हो, तो कितनी अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है ना, खुशी क्या बोलती है खुशी? हाँ। जो अपने को अच्छा दिन हेल्प करती है, अपने से अपना काम करती है, अपने को खाना खिलाती है, खाना पकाती है, अपने लिए नए नए कपड़े लाती है, तो उसको तो परेशान करना चाहिए ने? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मजा आती है, फिर ज्यादा कपड़ा लेके आएगी, परेशान नहीं करेगी तो लाएगी नहीं ना वो कपड़ा, खाना नहीं खिलाएगी, परेशान तो करे तो ही वो खाना खिलाएगी अपने को, है ने? नहीं। वो दर्शना को, दर्शना दर्शना तो उसको ऐसा ज्ञान है ने? नहीं। मम्मी को परेशान करो, अच्छा है, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। नहीं आएगी, परेशान जी। हाँ। स्कूल से तेज बुखार के कारण छुट्टी लेके आए, घर पर आकर टीवी देखा, कितना घंटा? 2 घंटा। वो तेज बुखार नहीं था साहब, और मम्मी ने जब डांटा के बोले आराम करो तो नहीं किया। हाँ, वो आराम करो लेकिन नहीं किया, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना उनके पास, उनके पास एक ही डायरेक्शन है, जो हमको हेल्प करता है उसको परेशान करने का। नहीं। कोई अगर आपको आराम करने को बोले तो, मुझे तो कोई आराम करने बोले तो मेरा तो काम, मेरा तो कोई टाइम ही नहीं मिलता है, सोने का भी टाइम नहीं, श्वास लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही मेरे को कोई फ्री करता है सीधा 9 कलम चालू करता हूँ, 3 मंत्र चालू करता हूँ, क्योंकि कितनी तकलीफ है, बुखार आया तो कितनी तकलीफ है, तो 3 मंत्र सीधा बोलना चाहिए। हाँ। 3 मंत्र बोलने से कितनी शक्ति आती है, कोई बीच में नहीं आएगा, ये तो जो हमको हेल्प करते है उसको ही परेशान करते, तो कितनी अपनी तो बुद्धि बहुत अच्छी है ने? नहीं, बुद्धि अच्छी नहीं है, कितनी नहीं। अच्छी बुद्धि बोला जाते है उसको, कि जो हमको हेल्प करता है उसको परेशान करने का। एक ही वर्ल्ड में एक ही आइटम है ऐसी, वर्ल्ड में एक ही आइटम ऐसी है कि जिसको जो हमको हेल्प करते है ना उसको हम परेशान कर सकते है, दूसरी कोई आइटम इस वर्ल्ड में नहीं है। दूसरा किसी को भी भाई हो या कोई फ्रेंड हो, उसको आप परेशान करके देखो, देखो क्या होता है, बहुत मजा आएगी। फिर बाहर पुलिस को थोड़ा परेशान करो, देखो क्या होता है, मस्त डंडा मिलेगा, फिर वो बुखार बुखार नहीं देखते, कितनी मजा आएगी। खाली एक ही आइटम वर्ल्ड में है, एक माँ ऐसी है कि जो हमको हेल्प भी करती है और हम उसको परेशान भी कर दे, एक ही आइटम अच्छी मिली है अपने को वर्ल्ड में, तो उसको बराबर वापस नहीं चाहिए ने? है ने? दर्शना तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी जबरदस्त दर्शना की। मम्मी मम्मी क्या बोलते है? मम्मी कुछ बोलते है परेशान जी? मम्मी बोलते है, क्या बोलते है? ये बहुत अच्छा वापरती है मुझे, है? बहुत अच्छा यूज करती है आपको ने? हाँ, वो तो आप एक ही आइटम हो कि जो उसको परेशान कर सकते है, दूसरा कोई है नहीं है उसके लिए। फिर भी आप उसके सर पे हाथ रखना, कोई वांदा नहीं। हाँ रखती हूँ ना, तभी तो इनको पता चल गया है कि कुछ भी हो ये गुस्से में बोलेगी, फिर एज इट इज वही है। फिर भी आप अभी अभी रख दो, उसके सर पे हाथ रख दो,
उसके सर पे हाथ रख दो, बस 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 बस, वो कुछ भी करे आपको सर पे हाथ रखना है, हा? तो ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। बहुत समझ वाली लड़की है, लेकिन कभी कभी क्या है दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, वो स्क्रू ढीला हो जाता है तो ऐसा करती है, लेकिन अभी नहीं करेगी वो, है ना? हाँ। नहीं करेगी पक्का? नहीं, नहीं करूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। माँ को कौन परेशान करेगा, माँ को परेशान करे तो क्या फायदा अपने को है, कुछ फायदा नहीं। हाँ। थोड़ी मजाक कर सकते, मजाक कर सकते, मजाक का वादा नहीं। हाँ ओके बेटा, टेक केयर। हाँ। टेक केयर। जय सचिदानंद। ए करुणा जी, करुणा मैन। हाँ जी। तो हाउ कैन शी वॉच 2 आवर्स ऑफ टीवी? किसकी परमिशन आप कैसे परमिशन देते हैं उसको? वो फिर वो गुस्सा होती है, रोती है। हाँ तो रो, वो तो वो बहुत अच्छा है ना, वो तो वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग। गुस्सा करने दो उसको, जो रोती है रोने दो, तो थोड़ा सब निकल जाएगा। नो यू टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट वन, ओके? या इट इज अप टू यू टू डिसाइड नॉट टू वॉच टीवी, वो आपके ऊपर है, ओके? हाँ या यू आर पेइंग द बिल ऑफ टीवी, नॉट हर। टीवी का बिल आप देते हैं तो आपके राइट्स है। ओके जय सच्चिदानंद। ओ श्रेया के साथ बात करो, परेश दादा बाद में पद सुनेगा। ओ मम्मी की, श्रेया के साथ बात करो। ओ मम्मी के साथ अभी कुछ मैथ में प्रॉब्लम हो जाता है। श्रेया बोलो, श्रेया क्या बोलती है? हाँ मैं करने बैठी थी तो फिर मुझको वो प्लस माइनस माइनस और सब में मुझको गड़बड़ हो गया था, तो फिर मम्मी समझा रही थी कि ये कर, तो मम्मी ने बहुत बार समझाया तो मुझको समझ नहीं आया, तो मम्मी गुस्सा हो गई कि तू समझ ही नहीं पा रही है। फिर तू भी गुस्सा हो गई? हाँ। फिर मारा मारी की? मारा मारी नहीं की? क्यों? तेरा एक दांत निकल गया, एक दांत अगर निकल गया तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? माइनस। और दो दांत आ गए नए तो? प्लस। प्लस बस, वो प्लस माइनस इसमें क्या समझ में नहीं आते तेरे को? तेरे को चार उंगली है कि पांच उंगली है? पांच। पांच है कि दस है? एक हाथ में पांच है और दूसरे हाथ में पांच है, तो पांच पांच कितना हो गया? प्लस। तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस। प्लस हो गया। फिर पैर की एक एक अब एक पैर की ऐड करे तो क्या? एक पैर की दूसरी पांच उंगली ऐड करे तो कितना होगी? 20। एक पैर की, दो पैर की नहीं। परेशानी परेशानी, ये जो आगे प्लस और माइनस होता है ना, प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, आगे का माइनस और आगे का प्लस, आगे प्लस माइनस होता है ना उसमें कंफ्यूजन है। हाँ, कोई वादा नहीं, उसको भी करेंगे ठीक। हाँ बोलो, आगे बोलो। श्रेया बोलो। क्या? वो 10 उंगली है पर बाद में प्लस किया, एक पैर की पांच उंगली ऐड की तो क्या हुआ? 15 हो जाएगा। 15 तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस। फिर वापस दूसरे पैर की ऐड करे तो 20 हो जाएगा, 20। तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस। प्लस हो गया ना, तो ये प्लस माइनस समझ में आ गया? हाँ। कि नहीं आया? हाँ। दो बाल निकल गए आपके सर में से तो प्लस हुआ माइनस हुआ? माइनस। माइनस हो गया ना। हाँ। अभी प्लस माइनस में प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस करे तो क्या हो जावे? प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा? प्रहर को मालूम है, माइनस हो जाएगा। है? माइनस। यस। और माइनस माइनस इनटू माइनस करे तो प्लस।
अभी क्या इसमें से मैंने मैथ जैसा इजी सब्जेक्ट इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, दीपक भाई हैज स्कोर्ड मैक्सिमम 100 out of 100। समझ में आया? हाँ। और आप तो इतनी इंटेलिजेंट हो, फिर क्या समझ में नहीं आया? तभी आपका ध्यान कोई सीरियल में होगा, कहीं किसी मोबाइल में होगा तो ही समझ में नहीं आए, नहीं तो आपको तुरंत समझ में आ सकता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इसलिए आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर करो तो आ जाएगी। यू हैव टू बी अलर्ट ऑन दैट टाइम, यू हैव टू बी प्रेजेंट दैट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम। इफ यू आर अलर्ट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली। ठीक है? हाँ। समझ में आई बात? और मम्मी गुस्सा होगी तो मम्मी का गला नहीं दबाने का, पैर दबाने का, हाथ दबाने का, सर दबा के रखने का, मम्मी तू गुस्सा मत हो, मेरे को समझा अभी क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसा रिक्वेस्ट करने की। ठीक है? हाँ। गुस्सा क्यों करती है तू मम्मी के ऊपर? खाना नहीं देती है? नहीं देती है ना। खाना देती है? हाँ। मेरे को लगा खाना नहीं देती इसलिए गुस्सा करती होगी तू। नहीं। नए कपड़े लाती है? हाँ। तुझे जो कुछ चाहिए वो लाके देती है? हाँ। तो फिर एक बार वो गुस्सा करे तो उसको हक नहीं है तेरे ऊपर गुस्सा करने का? सब कुछ तो तेरे को सहू करती है, फिर एक बार अगर गुस्सा भी करे तो गुस्सा भी सहू करे तो अच्छा है ना? इट इज वेरी गुड फॉर यू इफ शी गेट्स एंग्री ऑन यू, इट्स वेरी गुड। सो यू बिकम मोर अटेंटिव, मोर प्रोग्रेसिव, मोर अंडरस्टैंडेबल, इट्स वेरी नाइस फॉर यू दैट यू गॉट सच अ नाइस मॉम। अंडरस्टैंड? गुस्सा करे तो अच्छा है लेकिन घड़ी घड़ी गुस्सा नहीं करने का, सॉरी बोलने का। ठीक है? हाँ। पक्का? हाँ। वापस अभी मैं अहमदाबाद आऊ तो मिलना मुझे। हाँ। ठीक है? बहुत टाइम से मिली नहीं है ना तू। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और परेश दादा ने 3 शब्द बहुत अच्छा किया, किसको याद है? प्रहार, खुशी, अव्यय। परेश दादा ने 3 शब्द बहुत अच्छा किया, पढ़ते समय क्या होना मांगता है किसको मालूम है? अलर्ट। यस, वन अलर्ट। खुशी? मैं पढ़ते समय ध्यान रखना। अलर्ट वो बोला, अलर्ट बोला। दूसरा प्रहर, सिंसियर। नहीं वो सिंसियर नहीं बोला था परेश दादा ने। अलर्ट, प्रेजेंट, अंडरस्टैंड, गुस्सा होने से गुस्सा बहुत फायदा करता है बच्चों को। माँ का गुस्सा बच्चों को बहुत 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 फायदा करता है। मैं नॉर्मली माँ कभी अपने बच्चे को गुस्सा नहीं करती, वो बच्चों को ये जबरदस्त गिफ्ट है। माँ का गुस्सा बच्चों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मालूम पड़ा? हाँ। और श्रेया नहीं आता है तो स्टडी प्रेयर बोलने का तुरंत। दादा भगवान बोलते थे हम किसी को डांटते नहीं, हमारा स्कूल ढीला नहीं है, वो तो हमारी बहुत सेवा करेंगे, कुछ ये करेंगे, हमारे नजदीक होंगे, वो अंडरस्टैंडेबल होंगे, वो समझ सकेंगे, तभी हम डांटते नहीं, तो हम किसी को डांटते नहीं। तो वैसा माँ भी अपने बच्चे को डांटती नहीं है, कुछ तैयार करना चाहती है, बड़ा होके कुछ बड़ा काम करे तभी उसको कुछ दिखता है, तभी वो डांटती है। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग गिफ्ट टू द ऑल चिल्ड्रन। मॉम क्या बोलते हो, मम्मी का गुस्सा वो सब बच्चों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो कभी नहीं मिलता ज्यादा। मालूम पड़ा सबको? हाँ। ओके, परेश दादा अभी हम पद सुनेंगे।